दोस्तों वेलकम टू कुक एंड लर्न। मैं हूं अमित वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मॉम स्पेशल क्विक रेसिपीज। मेरे साथ है मेरी मम्मी मालती वशिष्ठ। सो आज भी हम मम्मी की एक बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही देसी स्टाइल है और हमारे घर में इस तरीके से बनती है। मम्मी क्या बना रहे हैं आज? आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। ठीक है, सो आपने कितना कटहल ले लिया मम्मी आज? ये हमने आधा किलो कटहल लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों अपने होटल में हम ये कटहल बनाते हैं ऑनियन टमाटो मसाला के साथ, बट मम्मी की ये रेसिपी बहुत खास है। इसमें मम्मी दही यूज़ करती है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। सो मम्मी शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। ठीक है, फिर इसको कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम तेल डालेंगे और इन कटहल को हम फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई करते हैं। ये भी मैं ऑन कर देता हूँ आपके लिए। तेल कौन सा ले रहे हो मम्मी आप? रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, डालिए। तो दोस्तों हम इंतजार कर रहे हैं तेल के गर्म होने का और इसके बाद मम्मी इसमें डालेंगे। हाँ, ये कटहल डाल के और इसको एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो इसी बीच में मैं थोड़ा पेपर लगा लेता हूँ ट्रे के अंदर जिसमें आप कटहल निकालोगे। समय में मुझे लग रहा है हो गया तेल गरम। अच्छा, करारा करना है इसको। करारा करना। मम्मी मुझे लगता है काफी क्रिस्पी हो गया। क्रिस्पी हो गया, अब हम इसको निकाल देते हैं। बढ़िया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हल्का भूरा होने तक मम्मी ने इसे फ्राई किया है और ये क्रिस्पी हो गया है। फ्राई करने का कोई कारण मम्मी? इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर अच्छा। कई लोग हैं वो उबाल के भी मतलब इसको बनाते हैं। हाँ जी। पर वो टेस्ट नहीं आता है क्योंकि इसके भुनने से थोड़ा अच्छा क्रिस्पी मतलब उसमें खाने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, अब बात तो सही है, खाने में तो बहुत मजा आता है। दोस्तों सही में काफी क्रिस्पी है और इसी वजह से जब ये ग्रेवी में जाएगा तो भी ये अच्छा खासा फॉर्म रहेगा और सॉगी नहीं होगा। सो ये क्रिस्प कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों कटल हो गए हैं फ्राई, अब ये बाकी का तेल इसमें से निकाल लेते हैं और मम्मी कह रही है कि इसी कढ़ाई में मैं कटल की सब्जी भी बनाऊंगी। चलो मम्मी। चलो दोस्तों कढ़ाई को हमने तेज पर रखा है अभी फिलहाल जैसा मम्मी ने बोला। अब बताइए सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें? हम थोड़ा सा वैसे तो सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो तो मैं हमेशा थोड़ा सा नमक डालती हूं। तेल में नमक एज ऑलवेज। बढ़िया, डालिए। जीरा हमारा भुन गया, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो दोस्तों जब भी घर में ग्रेवी बनानी है और स्मूथ ग्रेवी बनानी है तो एक अच्छा आइडिया है, या तो आप अपनी प्याज को कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसे मिक्सी में पीस लीजिए जैसा कि अभी मम्मी ने किया है। प्याज हमारा भुन रहा है, इसी बीच में हम थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालते हैं। डालिए। सो अदरक और लहसुन का पेस्ट दोस्तों चला गया है ग्रेवी में और कटी हुई हरी मिर्च भी, और साथ में मम्मी ने एक हरी मिर्च काट के मोटी मोटी इसमें डाल दी है। दोस्तों मैं सही में बता नहीं सकता आपको, आई नो ये लालच है पर ये कटल इतने अच्छे लग रहे हैं फ्राई होके कि इसको बीच में ही खाने का दिल कर रहा है। अब प्याज और लहसुन और अदरक हमारा ब्राउन हो गया, इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। बहुत ही अच्छे दोस्तों, हींग हमारी फेवरेट है, हम हर चीज में डालते ही हैं और आप भी डालना शुरू कीजिए, बहुत ही मजा आएगा खाने में। तो आप हमारे साथ 100 रेसिपी बनाओगी मम्मी? नहीं नहीं, हम चाहते हैं आप आती रहो, सबको फायदा भी होगा। प्याज और ये सब लहसुन वगैरह सब हमारा ब्राउन हो गया और इसमें हम अब टमाटर डालेंगे। डालिए मम्मी। हमने 2 टमाटर पीस के रख लिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों प्याज की तरह टमाटर भी प्योरे करनी है, ऑफ कोर्स अनियन प्योरे है तो टमाटर भी घिस लेना आप कद्दूकस पे, बनाने में थोड़ी जल्दी होगी। और टमाटर डालने के बाद हम सारे अब मसाले डालेंगे। बिल्कुल मम्मी, डालिए आप। सो दोस्तों 1/2 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं हम, आपकी मर्जी है, अगर आप तेज खाते हैं तो आपके घर में जो भी मिर्ची है पर थोड़ा संभाल के, बहुत तीखा ना हो जाए। थोड़ा सा टमाटर प्यूरी भी डाल
डाल देते हैं जिससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। धनिया पाउडर जा रहा है इसमें अब दो चम्मच धनिया पाउडर, मतलब 2 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक डाल देते हैं दोस्तों, नमक डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही रखिए ज़्यादा अच्छा है। आँच बढ़ा देते हैं मम्मी एक बार। दोस्तों आँच को बढ़ा दिया है, मसाले पक रहे हैं, पानी हमने नहीं डाला है क्योंकि टमाटर अभी कच्चे ही थे, टमाटरों में अपना पानी था, सो वो मसाले को पकाने के लिए काफ़ी रहेगा। टमाटर पक गए हैं और इसको आँच को थोड़ा धीमा करके इसमें हम दही डालेंगे। सो कोई खास दही, खट्टा या कैसा भी डाल सकते हैं? हाँ खट्टा, वैसे इसको ग्रेवी अच्छी बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी तो खाने में अच्छा टेस्ट आएगा। तो मम्मी ने करीबन 6 चम्मच दही इसमें डाल दिया है, आंच बंदे पे है और मम्मी धीरे धीरे दही को पका रही है। दोस्तों होम स्टाइल सब्जी है तो ऑब्वियसली टेक्सचर पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, माँ की सब्जी है तो स्वाद ही मैटर करता है। अगर मैं होटल में होता तो मैं इस दही को अच्छे तरीके से मिक्सी में घुमा के स्मूथ करके डालता, बट डजंट मैटर, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, लवली। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, मम्मी मेरे से रहा नहीं जा रहा एक्चुअली। वाओ दोस्तों, दही डालने से सही में मजा आने लगा है ग्रेवी में, थोड़ा सावर टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सारा मसाला अब हमारा पक गया और अब इस टाइम ये कटहल डाल के इसको मिलाएंगे। बढ़िया, डालिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑयल सारा हमारा पेपर टॉवल में आ गया है, वरना अगर कटहल हम डायरेक्टली डाल देते तो सब्जी बहुत ऑयली बनती। कटहल और मसाला हमने मिला दिया है, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। सब्जी में हमने पानी डाल दिया है और अब इसके अंदर हम ढक्कन लगाएंगे। वेरी गुड, कितनी देर पकाना है मम्मी? ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट। अच्छा जी। तो दोस्तों सब्जी को एक बार तेज पे ले आए हैं, एक बॉईल आने के बाद इसको मंदा करके 20 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं और मेरे हाथ मचल रहे हैं इसको खोलने के लिए, मम्मी उठाइए ढक्कन। वाओ दोस्तों, आई मीन दिस इज वन डिश दैट आई जस्ट फील लाइक ईटिंग एट होम, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। भाई ये सब्जी हमारी कटहल की पक गई है और इसमें हम डालते हैं गरम मसाला। चलिए डालिए, धनिया, बढ़िया बढ़िया हरा धनिया डालते हैं। चलिए जल्दी से डालिए। दोस्तों गरम मसाला ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो। मुझे लगता है सब्जी एस सच बिना गरम मसाले के ही बहुत ही बढ़िया बनी है। दोस्तों कर देते हैं इसे बंद और ये समय है इसे टेस्ट करने का। वाओ दोस्तों, दिस इज ब्यूटीफुल। ये डिश आपको अपने घर में और मेरे जो होटल में दोस्त हैं उन सबको अपने गेस्ट के लिए जरूर जरूर बनानी चाहिए। दिस इज अ फैंटेस्टिक डिश फॉर वेजिटेरियंस। उम्मीद करता हूं आपको ये मॉम स्पेशल कटल की डिश बहुत पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए कुक एंड लर्न। मैं हूं अमित वशिष्ठ और मेरी मम्मी माधवी वशिष्ठ।